विंडोज 11 पे जो सर्च बार है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या आप वहां पे किसी भी एप्लीकेशन को टाइप करके सर्च कर रहे हो तो वो सर्च नहीं हो रहा है या टाइप ही नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप कंप्लीटली सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि फर्स्ट प्रोसेस में आपको करना क्या है, आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद और आपके यहाँ पे अपने विंडोज को एक बार पहले तो रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि कभी क्या होता है कि रीस्टार्ट करने से भी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो आपके यहाँ पे रीस्टार्ट करके चेक करना है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं यहाँ पे मैं आपको सेकंड प्रोसेस बताऊंगा। सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के दिस पीसी में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने दिस पीसी में चला जाता हूँ, दिस पीसी में आने के बाद आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव में आ जाना है, मैंने सी ड्राइव में आपको चले जाना है। सी ड्राइव में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस विंडोज वाले ऑप्शन में चले जाना है। विंडोज वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है System32, मैंने System32 बिट का आपको यहाँ पे फोल्डर को यहाँ पे मैंने टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है, या आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने कीबोर्ड में एस बटन को आप यहाँ पे दबाओगे तो यहाँ पे एस बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका जो एस से रिलेटेड जितने भी फोल्डर्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड में एस बटन को प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एस से रिलेटेड जितने भी फोल्डर्स है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है System32। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे System32 का आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा होगा, तो आपको इस System32 वाले फोल्डर में चले जाना है। System32 वाले फोल्डर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिसका नाम है CTFmon, मैंने CTFmon नाम का एक एप्लीकेशन है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, या आप चाहे तो अपने कीबोर्ड में डायरेक्टली CTF दाबोगे तो वो मैंने जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपका आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली CTF यहाँ पे दाबता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे CTFmon से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो CTFmon, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये एप्लीकेशन है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस एप्लीकेशन को एक बार आपको मैंने ऑन करना है और ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा, मैंने ये कुछ सेकंड के लिए एक दो सेकंड के लिए ऑन होगा फिर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, आपको इसे एक बार ऑन करना है। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक कर देने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक दो सेकंड के लिए आया फिर चला गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखा भी नहीं होगा, तो आपको इस तरह से करना है। इस तरह से करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर लिया हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब आपको करना क्या है कि इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे भी आपको अपने विंडोज को रिफ्रेश करना है और यहाँ पे आपको अपने सर्च बार को यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है, मैं किसी भी एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है और देखना है कि आपका जो सर्च बार है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे इसके बावजूद भी वर्क नहीं करता है तो आप एक बार अपने विंडोज को रीस्टार्ट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे सेकंड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं यहाँ पे आपको थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। अपने कीबोर्ड पे, अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी के कीबोर्ड पे Ctrl+Shift+Escape बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आपका जो टास्क मैनेजर है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर को फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरा विंडोज एक्सप्लोरर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने इस विंडोज एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज एक्सप्लोरर को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस रीस्टार्ट पे क्लिक करना है और आपका जो विंडोज एक्सप्लोरर है वो एक बार रीस्टार्ट होगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो विंडोज एक्सप्लोरर है यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इस टास्क मैनेजर को क्लोज करना है और आपको अपने सर्च बार को वहाँ पे चेक करना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे इसके बावजूद भी अगर आपका जो सर्च बार है वो वर्क नहीं करता है, अब मैं यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ, लास्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस को करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। रिकवरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में भी चले जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने विंडोज को, आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को मैंने रिस्टोर करना है। और जिन लोगों को मालूम नहीं कि रिस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि रिस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो पीसी है, आपका जो विंडोज है, वो एक दो दिन पीछे चला जाएगा।
मैंने आप यहाँ पे जितनी भी डेट जितनी भी टाइम यहाँ पे सेट करोगे, जो यहाँ पे टाइम मेंशन रहेगा या जितना भी टाइम यहाँ पे डेट जो मेंशन रहेगा, आप उस डेट को सेलेक्ट करोगे तो वो आपका जो पीसी है, आपका जो विंडोज है, वो उतने ही दिन आपका पीछे चला जाएगा। और पीछे जाने से क्या होगा कि वो आपका सिस्टम जो है, जैसे मान के चलिए कि आपका जो ये सर्च बार से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ जाए, मैंने टूडे आया, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं आपको डेट दिखाता हूँ 24/1/2023, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका आ जाया है, और आप अपने सिस्टम को रिस्टोर करोगे, मैंने एक दो दिन पीछे करोगे तो आपका जो सिस्टम था वो एक दो दिन पीछे जैसे भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर आपका एक दो दिन पीछे आपका जो सर्च बार है वो वर्क कर रहा था प्रॉपर तरीके से, तो वो आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नेक्स्ट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे एक ही यहाँ पे डेट शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 10/1/2023 का यहाँ पे डेट शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और आज मेरा डेट है यहाँ पे 24/1/2023 यहाँ पे डेट है। तो यहाँ पे एटलीस्ट मेरा 14-15 डेज यहाँ पे मेरा सिस्टम पीछे जाएगा अगर मैं इस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक ही डेट यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे ये डेट यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे और भी डेट यहाँ पे शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आज की डेट की नियरली जो भी डेट है आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे यहाँ पे एक ही डेट यहाँ पे शो हो रहा है और मेरे आज की डेट के नियरली ये डेट ही मेरे यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसी डेट को सिलेक्ट करूंगा। इस डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सी ड्राइव यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस सी ड्राइव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फिनिश का आपको यहाँ पे एक बटन शो हो रहा होगा, तो आपको इसे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रिस्टोर होने में एटलीस्ट आपको यहाँ पे 30 मिनट का भी टाइम लग जाता है, किन किन लोगों का 1 आवर का भी टाइम लग जाता है, किन किन लोगों का 2 आवर 3 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपको यहाँ पे टाइम देना है और आपको अपने सिस्टम को कंप्लीटली रिस्टोर होने देना है, मैंने उसे रिस्टोर कर लेना है। रिस्टोर करने के बाद ही आपको अपने सिस्टम में किस तरह का वर्क करना है, मैंने उसके बाद चेक करना है कि आपका जो टास्क बार है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, आपका जो ये प्रॉब्लम है उसके बाद ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।